Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today's subject, Environmental Study, Part 1, Standard 5th. Let's start the lesson. Our lesson of today is Motions of the Earth. Before start lesson, students, I'm going to tell you that I'm going to give explanation in Hindi also. So do not wasting time, let's start the lesson. Rotation. Take a top, spin it and observe its movements. The top turns around itself. Any object that turns about itself actually turns around certain imaginary line. Turning of an object around itself called rotation, and that imaginary line around which it's rotate, it's called axis of the rotation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है आपको एक छोटा सा भवरा लेना है, उसे घुमाना है, और आप जो वो स्पिन यानी वो घूमते हुए जो दिखता है उसे कहा जाता है मोमेंट, और जो खुद के जगह पे ही घूमते रहते हैं जैसे आप बोल सकते हो फैन, या फिर आप बोल सकते हो वॉशिंग मशीन, ये जो जगह है ये एक एक्सिस की यानी एक अपने आप में घूमता है उसे उसे कहा जाता है ये रोटेशन कहा जाता है। और जो उस लाइन के थ्रू जिस लाइन में ये इमेजिनरी एक बीच में एक लाइन होता है जिसे हम देखने के बाद में हमें पता चलता है उसे एक्सिस कहा जाता है, जिसपे रोटेशन फोर्स लेता है। अगर आप देखोगे कि एक भंवरा के बीच में एक रोटेशन होता है, अगर आपने वॉशिंग मशीन के बीच में स्पिनिंग में देखा होगा तो कहीं जगह पे आपको ये इमेजिनरी लाइन को देखने में मिलता है, कहीं जगह पे आपको इसमें पता नहीं चलता है। द अर्थ रोटेशन। टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट। नाउ द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स। नाउ टेक अ प्लम्ब लाइन एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शोन इन दिस पिक्चर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक ग्लोब का पिक्चर है, और उसकी तरह आपको लेना है और उस पर एक प्लम्ब लाइन यानी एक रस्सी लेना है जिसे एक थोड़ा वेट रखना है और उसे सीधा छोड़ना है। जब आप नीचे छोड़ते हो और जब अर्थ को स्पिन करते हो ग्लोब को, तो वो एक बीच में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट को इक्वेटर से आपका से नॉर्थ और साउथ पोल जहाँ से बीच में मिड पॉइंट मिलता है उसे इक्वेटर कहा जाता है। तो जो लाइन है उस लाइन को एक्सिस कहा जाता है। सो यहाँ पे आप पे राइट साइड में आप देख सकते हो क्लियरली, यू विल सी दैट प्लम्ब लाइन एंड द अर्थ एक्सिस आर एट द एंगल टू ईच अदर, दैट इज द एक्सिस इंक्लिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल के और इक्वेटर के बीच में जो पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है उसे एक्सिस कहा गया है। इसमें नॉर्थ द अर्थ रोटेट्स विद इट्स एक्सिस इंक्लीन लाइक दिस। द लाइन नॉर्थ एंड एनएस का मतलब होता है नॉर्थ एंड साउथ। इन दिस पिक्चर शोन द अर्थ एक्सिस द पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द पॉइंट एनएस एंड एस आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द अर्थ। देखिए आपने सुना होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल दिया गया है, और जो अर्थ के सेंटर में से पास थ्रू होता है उसे एक्सिस कहा जाता है। एन इज द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द अर्थ एंड एस इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। इफ ए सर्कल विड्रॉ एंड अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। देख रहे हैं आप एक ग्रीन लाइन मैंने आपको बताया है उस सर्कल ड्रॉ करने के लिए। एग्जैक्टली इन द बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इट वुड डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस इमेजिनरी सर्कल कॉल्ड इक्वेटर। जैसे मैंने आपको बताया था जहाँ पे एक मिड पॉइंट आता है उसे इक्वेटर कहा जाता है, जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दिस पार्ट द टू इक्वल पार्ट मेक ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली।
ये इक्वेटर डिवाइड करने के बाद में जो पार्ट अपर पार्ट होता है नॉर्दर्न पार्ट, उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और जो नीचे जो साउथ पोल की साइड है उसे सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। डे एंड नाइट स्टैंड ए कैंडल इन द बिम ऑफ मिडल ऑफ द लार्ज टेबल, ड्रॉ ए बिग सर्कल अराउंड द कैंडल, प्लेस ए ग्लोब एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल, द लाइट कैंडल सी द इन द डार्क रूम एंड सपोज दैट कैंडल इज अ सन, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ द ग्लोबल गेट सन लाइट ऑन द डजेंट डिस। देखिए यहाँ पे बताया गया कि आप एक टेबल लीजिए, उसके सेंटर में एक बड़ा सर्कल कीजिए और सर्कल के बीच में कैंडल को लाइट करने के बाद एक ग्लोब को सर्कल के पॉइंट में रखिए। इससे क्या होगा, और रूम में अंधेरा करने के बाद भी आपको इमेजिन करना है कि वो कैंडल सन है, और जैसे जैसे उस सर्कल के अराउंड में आप ग्लोब को घुमाते जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं जगह पे ग्लोब के जो कैंडल की तरफ फेस है वहाँ पे लाइट होगा, और जो पार्ट में लाइट नहीं है मतलब अपोजिट डायरेक्शन आपके ग्लोब के वहाँ पे डार्क है। तो इससे पता चलता है कि डे नाइट किस तरह से बनता है। नाउ लुक एट द ग्लोब फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड एंटी क्लॉकवाइज द अर्थ रोटेट्स एज द सेम रोटेट्स द डिफरेंट पार्ट्स कम इन टू द लाइट ऑन द वन आफ्टर द अनदर टर्न फ्रॉम द ऑल्सो द सेम। जिसे रोटेशन आप देखते हो उसी तरह अर्थ को रोटेशन करते करते वो पूरा सर्कल आपको राउंड करना है, तो जिससे आपको पता चलेगा अलग अलग पार्ट में कब डे और कब नाइट हो रहा है। सनसेट एंड सनराइज, अ डे हैज़ टू पार्ट्स, डे टाइम एंड नाइट टाइम, और सिंपली डे एंड नाइट। फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग टाइम वी डिवाइड द होल डे इन 24 पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एन आवर। देखिए डे नाइट, डे के एक दो पार्ट है, एक डे टाइम होता है और एक नाइट टाइम, सिंपली हम डे नाइट बोलते हैं। और ये एक मेजरिंग टाइम का एक पर्पस है हमारा, जिसे हमने पूरे दिन को 24 पार्टों में डिवाइड किया है, और उस 24 पार्ट को हम बोलते हैं आवर्स। आवर्स यानी हमारा 1 घंटा 2 घंटा हम जो बोलते हैं वो। और आप देखोगे यहाँ पे मैंने शो बताया आपको कि डे नाइट का पिक्चर भी दिखाया है, जिस तरफ एक तरफ सनलाइट गिर रहा है और दूसरी तरफ सनलाइट नहीं आता। ये हमारे स्पेस शटल से हमने इमेज लिया गया है, तो यानी सैटेलाइट से, जिसमें डे दिख रहा है और एक तरफ नाइट दिख रहा है। जिस तरफ सनलाइट है वो डे है वहाँ पार्ट में, और जिस तरफ नहीं है वो नाइट पार्ट है। और उसके नीचे भी मैंने यहाँ पे डे एंड नाइट किस तरह होता है वो भी आपको मैंने इमेजिनरी में यहाँ पे दिखाया है। आ ईयर, द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड वन ईयर। दिस आर अबाउट 365 days एंड 6 hours इन आवर। देखिए एक रेवोल्यूशन यानी सन का एक पूरा चक्कर काटने के लिए जो रेवोल्यूशन होता है उसे 1 साल लगता है, और वो 1 साल में 365 दिन यानी 365 days और 6 घंटे लगते हैं 1 साल के। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, लीप ईयर। इन जॉर्जियन कैलेंडर द ईयर इज टेकन एव 365 days, इट मीन्स दैट काउंट 6 hours लेस एवरी ईयर, दैट मेक्स 24 hours और 1 day इन एवरी 4 years। देखिए एक जॉर्जियन कैलेंडर में 365 days को हम नॉर्मली काउंट करते हैं, लेकिन हम हमेशा 6 घंटे को काउंट करना भूल जाते हैं। तो उस 6 घंटे का 4 साल में जो होता है उसे एक दिन एक्सटेंड किया जाता है। जैसे आप काउंट कर सकते हो टेबल्स में, आप बोलते हैं 6 4 ज़ा, उसी तरह 6 4 ज़ा हमारा जो होता है 24 होता है। तो ये 24 आवर्स एक दिन हमारा लीप ईयर होता है 4 साल में एक बार। तो उस 24 आवर्स को इसलिए लीप ईयर 4 साल में एक बार एवरी इसमें आता है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने 6 घंटे बचाए, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो टोटल हमारे जो संख्या होती है 18 घंटे होते हैं। लेकिन जैसे हमारा फोर्थ ईयर आता है, लीप ईयर होता है, उसमें हमारा ऐड होने से 6 घंटे ऐड होने से 24 आवर्स बढ़ जाता है। जैसे हम बोलते हैं फेब्रवरी में 28 डेज होता है, लेकिन एक साल में एक 4 साल में एक बार 29 भी आता है, तो उसे लीप ईयर कहा जाता है। इवन इन एवरी 4 ईयर्स टू मेक अप दिस लॉट्स लॉस्ट 1 day, द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इन द जॉर्जियन कैलेंडर एक्स्ट्रा डे फॉर दी, दैट इज कॉल्ड ए लीप ईयर। एंड इंस्टेड ऑफ थ्री
366 the of 365 days of February as 29 instead of 28 days, जिसे 360 days 66 की जगह पे हम 365 बोलते हैं, और फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं. फुल मून एंड न्यू मून. द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. ठीक है, मून अर्थ का चक्कर काटता है, अर्थ सन का चक्कर काटता है. हाउएवर दिस टू ऑर्बिट्स इंटरसेक्ट, हेंस द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर द ऑलवेज अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन. देखिए, ये जो है सन और मून और अर्थ, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही रहते हैं. सो यू सी हाफ ऑफ मून सरफेस व्हेन व्हिच ऑफ द फेसेस फेसेस ऑफ द अर्थ दिस दैट द फ्रॉम वन सी ओनली द साइड ऑफ मून द मून हैज नो लाइट ऑफ ओन. देखिए, मून का खुद का लाइट नहीं है, वो सनलाइट पे ही चमकता है. और जैसे जैसे अर्थ घूमता है, उसी तरह फेस मून का जो फेस है वो बढ़ता है. आप देख सकते हैं लूनार फेस, मैंने आपको यहाँ पे बताया है. फुल मून, जैसे फुल यूजिंग पूरा मून होता है, जैसे अर्थ और थोड़ा रोटेट होता है तो थोड़ा 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 शेड बढ़ते जाता है. और न्यू मून यानी जिन मून दिखाई नहीं देता, क्योंकि सन के बीच, सनलाइट के बीच में अर्थ पूरा मून को कवर कर देता है. तो जिन मून के पास लाइट नहीं जाने के कारण मून दिखाई नहीं देता है. फिर अगेन मून, जैसे अर्थ थोड़ा थोड़ा साइड हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा लाइट मून पे गिरता है, तो चांद थोड़ा थोड़ा दिखने, यानी मून थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले होना स्टार्ट होता है. ये इसे दर्शाता है कि ये मून जो है और सन तीनों जो है एक ही स्ट्रेट लाइन में है. तो इसी कारण ये प्रॉब्लम हमें पता नहीं चलता कि मून कहाँ पे है. मून, न्यू मून और फुल मून डे के लिए टाइम हमें ड्यूरेशन पता करना होता है. लूनर मंथ एंड डेज, तिथि. You know that it is 14 or 15 days from moon, new moon to full moon. This four nights and waxing moon after full moon appears smaller and smaller after 14 to 15 days. It is new moon again. This period is 14 waning moons. This period of from new moon that takes 28 to 30 days is called lunar month. एवरी डे ऑफ द लूनर मंथ इज कॉल्ड तिथि. देखिए, आप अच्छे से नोटिस करेंगे, जिस दिन फुल मून है उस दिन से 14 डेज या 15 डेज के बाद में आपको फुल मून दिखता है, क्योंकि उस दिन यानी फुल मून यानी आपको उस दिन कोई मून नहीं होता आसमान में, क्योंकि सन स्ट्रेट हो जाता है. उसके फिर नेक्स्ट डे से थोड़े दिन में, जैसे 14 टू 15 डेज के बाद में, फिर से धीरे धीरे मून दिखाई दे के फिर 14 टू 15 डेज में हमारा न्यू मून आता है. तो ये जो 14 टू जो डेज है टोटल न्यू मून और फुल मून के लिए 28 डेज या मैक्स टू मैक्स 30 डेज तो लगते ही हैं. अगर आप 15 डेज में आपको फुल मून दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद में 15 डेज के बाद ही आपको वो न्यू मून दिखेगा. अगर न्यू मून आपको 14 डेज में दिख रहा है तो 28 डेज के बाद में आपको फिर से न्यू मून दिखाई देगा. ये इस तरह से जनरेट किया गया तिथि है, कैलेंडर तिथि. आप ऑलवेज रिमेंबर द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव राइज टू डे एंड नाइट. द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लेशंस ऑफ दिस एक्सिस गिवन राइज ए साइकिल ऑफ सीजन. देखिए, रोटेशन ऑफ अर्थ हमें राइज यानी डे जो है सूरज की रोशनी से डे एंड नाइट मिलता है. एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एक्सिस गिव अस साइकिल ऑफ सीजन. सनलाइट से हमको डे एंड नाइट मिलता है, लेकिन जो रिवोल्यूशन सन के चक्कर काटता है उससे हमारा सीजन चेंज होता है. यानी क्लाइमेट में चेंजेस होने से कभी रेन, कभी गर्मी, कभी ठंडी, या फिर हम बोल सकते हैं स्नो फॉल, ये तरह के होते हैं. होप सो यू आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर